हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आई होप आप लोगों का जो प्रिलिम्स का एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इस बार का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आया था और क्या आने वाले एस्पिरेंट को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखना चाहिए। एज़ वी ऑल नो कि जो UPSC का एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो हर एक बार UPSC बच्चों को शॉक करती है, कभी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर दे देती है, कभी वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर देती है। तो हमें जो है ना हर एक तरह से प्रिपेयर होना चाहिए टू क्लियर द UPSC प्रिलिम्स। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट स्टेज आई थिंक UPSC में प्रिलिम्स ही है, बिकॉज प्रिलिम्स ही एक ऐसा है जो आपके हाथ में है। ठीक है, कम्प्लीटली क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, हमें बस सेलेक्ट करना है। तो यही एक स्टेज है जो आप अपने हाथों में अपनी मेहनत पे करके क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, एंड जो CSET के वीडियोस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं कल से जल्दी ही आप लोगों के लिए एक डिटेल एनालिसिस वीडियोस हर एक क्वेश्चन के ऊपर बनाऊंगी, सो दैट उससे काफ़ी ज़्यादा आपको नेक्स्ट ईयर भी हेल्प मिलेगा। एज इस साल का प्रिलिम्स का आप CSET का पेपर देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ट्रेंड पे ही पूछे थे, क्लॉक से पूछे थे, नंबर सिस्टम से पूछे थे। जो टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि प्लीज़ एटलीस्ट इन टॉपिक को आपको करके जाना है, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो पहले देखते हैं GS वाला पेपर कैसा रहा, उसके बाद हम देखेंगे CSET वाला पेपर कैसा था इस बार का। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं, अपने एग्जाम पेपर का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सो दैट आने वाले एस्पिरेंट, फ्यूचर एस्पिरेंट आपके इन कमेंट्स को पढ़ के दे गेट आइडिया कि यस एग्जाम हॉल में कैसा रहता है इस पेपर को अटेम्प्ट करना और घर में बैठ के AC में सॉल्व करने में क्या डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन पेपर इजी भी रहता है तो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो मेंटल प्रेशर लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू घर पे बैठने में। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि GS का पेपर कैसा था इस बार का। तो जो इस बार का GS का पेपर था ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर नहीं था। मतलब अगर आप लोगों ने बेसिक चीज़ें करी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, UPSC जो है, जैसे लास्ट ईयर 23 वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब उसमें एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए थे। बट इस बार वाला जो पेपर था ये आपने अगर बेसिक्स पढ़े हैं, आपने अगर सब्जेक्ट्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड करी है, मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलती थी कि प्लीज़ अपने स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा टू क्लियर दी प्रिलिम्स। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर अभी देखने को मिले हैं, एंड जो UPSC ने वो वाला ट्रेंड लास्ट ईयर हटा दिया था कि ओनली वन ओनली टू वाले, वो भी हमें कुछ क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं। एंड जो एलिमिनेशन हम लोग कह रहे थे कि UPSC कंप्लीट एलिमिनेट कर चुका है, अब वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बट हमें इस बार के पेपर में वैसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, 1, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, एक मॉडरेट पेपर था। आप लोग ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा डुएबल था। तो यहाँ पर ये तो रहा आपका पूरा GS का पेपर, आप देखेंगे यहाँ पे तो इससे क्या देखना है, एक फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या सीखना है, बेसिकली इससे पर्पस क्या है कि आने वाले समय में आप खुद से अपने आप को प्रिडिक्ट मत बनाइए कि UPSC ऐसे पूछेगा। हम अल्टीमेट सोर्सेज की तरफ भागते हैं, इंस्टेंट हम लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ने के बजाय। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, ये बेसिक आपका NBFCs और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये बेसिकली आपको हर एक इकोनॉमी के स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। चाहे आपने कोई भी बुक पढ़ी हो, रमेश सिंह पढ़ी हो, या फिर आपने श्रीराम IAS की बुक पढ़ी, या आपने किसी कोचिंग मटेरियल को प्रेफर किया होगा, हर एक जगह पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा NBFCs पे। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। इवन इस बार तो एक बेसिक क्वेश्चन आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के ऊपर भी पूछा था। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड उसके सेक्टर्स कौन से हैं, ऐसे ही आइटम और कैटेगरी से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए फिर से आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ऑप्शन बताने, मैं आपको इन हर एक क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस के साथ आपको वीडियो में बताऊंगी कैसे अप्रोच करनी है, हर एक क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊंगी। आज हम लोग जस्ट एक एनालिसिस कर रहे हैं हाउ द पेपर ऑफ प्रिलिम्स पेपर ऑफ 2023-24। ठीक है, देखो RTG के ऊपर पूछा है, रेडियोस्कोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अलावा RBI के ऊपर, RBI हर एक बार बैंकिंग से क्वेश्चन आता है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि GS वाला पेपर इतना ज़्यादा आपका डिफिकल्ट या अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेसिक सोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे थे, एंड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फैक्चुअल भी थे, मतलब दे आर डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे।
ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा पूरा था जीएस का पेपर, आप पूरा पेपर देखोगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सीसेट के पेपर की, कि सीसेट का पेपर इस बार कैसा आया था, ठीक है। तो आप लोग भी बताएंगे मुझे कमेंट में कि आप लोगों का कैसा रहा एग्जाम, किस तरह से आपकी कट ऑफ पार हो रही है नहीं, या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको पहले भी अपने सीसेट वीडियोस में बहुत बार बताया था कि आपको 80 क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, मूव टू दी 60 क्वेश्चन और उनको ही अच्छे से करिए तो हो जाते हैं। अब देखो ये पैसेज को करने के तरीके, मैं आपको हर एक पैसेज का आंसर भी बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल रेशनल इन्फेरेंस कीवर्ड पकड़िए, मैं तो आपको हर एक बार बोलती हूँ कि कीवर्ड पे फोकस करिए। तो कीवर्ड वही कीवर्ड पूछे गए हैं, कोई अलग से नया कीवर्ड नहीं पूछा है। assumption, देखिए मैंने आपको assumption based question बताए थे, and you can see यहाँ पर भी ये basically आपका question है सीधे, जिसमें आपको answer से ही passage से ही करना है। ये भी समझाया था कि इस तरह के questions को कैसे करना है, assumption based question आपको, फिर देखिए assumption based question है, फिर देखिए आपको समझाया था most logical rational inference की कैसे करना है, ठीक है। अब ये कुछ ये वाले question है, देखो ये question मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन 23 में भी आया था, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आपको इसमें वैल्यूज को पुट करनी होती है, ठीक है। मैं बताऊंगी फिर से, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगी सारे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, उसके बाद कंसेक्यूटिव जीरो एंडिंग इंटीजर से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद टाइम से क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम उनको लगेगा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाए थे कैसे करना है। यहाँ पर आप देखिए फिर से assumption based क्वेश्चन पूछा है, फिर से मोस्ट लॉजिकल और inference पूछा है, जो मैंने आपको बताया था यूपीएससी के keywords में पूरा कि कैसे यूपीएससी के keywords बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे inflammatory the content, इसमें आपको पूछा है बेस्ट सेंट्रल आइडिया, आपको बताया था ना बेस्ट रिफ्लेक्ट और सेंट्रल आइडिया, एक मिनट में आप आंसर कर सकते हो। आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस ईयर वीडियोज कि क्या होता है बेस्ट रिफ्लेक्ट और सेंट्रल आइडिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैं किसी चीज को घुमा फिरा के कह रही हूँ और किसी चीज को एक लाइन में कह रही हूँ, तो आंसर क्या होगा, जहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्ट बोलता है कि एक लाइन में उसका आंसर होगा, बेसिकली वो सिंपल चीजों के बारे में आपको बोल रहा होगा, ठीक है। देखिए फिर से assumption based क्वेश्चन पूछे हैं, एंड यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, एक्स और वाई कंटेनर है, इसमें इतना डाला गया है तो कैसे डिफरेंट बॉटल साइज पॉसिबल है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से अगेन देखो, नंबर सिस्टम तो मैंने आपको कहा था कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए, यूनिट डिजिट क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप assumption based क्वेश्चन फिर से पूछा है, ठीक है। तो assumption based क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहती है आपको मैंने समझाए थे अपनी क्लासेज में, ठीक है। देखो वही सब कीवर्ड पूछे गए हैं, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस करी होती, एंड मैंने बार बार आपको कहा था कि सिर्फ पढ़ लेने से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, आपको कंप्लीट इनके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तभी ये सॉल्व होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये मैंने अभी YouTube पे भी फ्री में ये क्लास अवेलेबल थी, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको टोटल नंबर्स काउंट करने हैं, देन उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है, आपको समझाया था लार्ज पेयर से स्टार्ट करिए, आप कीवर्ड को पकड़ लोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली 2.5 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो आपको अपने एनालिसिस खुद करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे खुद काम करना होता है, जो मैं आपको हर एक बार हर एक लेक्चर में बोलती थी। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को ये डुएबल है कि नहीं है बताइए, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको टच करने थे, ठीक है। अब ये परसेंटेज वाला देखिए, 80% कि आपको मैंने सब सेट थ्योरी बताया था, उसमें बताया था 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं, 70% इसमें, तो ओनली वन सब्जेक्ट में कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सैलरी पी ए की सैलरी परसेंटेज टॉपिक में ही बताया था, ये सॉलिक 20% लेस देन दी दिस पर्टिकुलर सैलरी, तो वो क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये यूनिट का सिंपल पूछा है, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, 1 मैट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इनको सब डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगी, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको क्लास में बहुत बार बोला था कि प्लीज कैलेंडर टॉपिक को करिए, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के वीडियोस बताए थे, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के एनालिसिस बताए थे, वहां पर भी आपको मैंने समझाया था कि कैलेंडर से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लॉक से पूछ रहा है। ये देखिए, ये तो मैंने शॉर्ट्स में डाला था और सेम टू सेम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन को बस वैल्यू चेंज करके दे दिया है। शॉर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ब्रेक में देखा और देख लिए, दे करेक्ट दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज वहां पर एक सिंपल फॉर्मूला था जो अप्लाई करना था और सही आंसर निकल जाना था, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन देखो 2023 आपको बताया था, हमेशा जब भी आपसे कैलेंडर किस ईयर का सेम होगा, ये पूछा है, कहीं पे आपसे डे पूछता था, मैंने आपको समझाया था डेज कैसे निकालना है, डे ये कैसे निकालना है, तो वही क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है, ठीक है। फिर देखो ये नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम से तो पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, एवरेज मैंने बताया था, एवरेज मैंने यूट्यूब पे भी क्लास में फ्री में कराया, एवरेज पे भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मैंने आपको बोला था। ये देखिए आर्स एंड शो दी 4.25, ये भी उसी तरह का एंगल पूछ दिया है, बताया था आपको मैंने एंगल निकालने का एक फॉर्मूला, अभी भी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स है, आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा ही, ठीक है। अब देखो फिर से ये कीवर्ड क्या मैंने आपको नहीं बताए थे, रेशनल इन्फेरेंस क्या है जो आप ऐसे से बता सकते हो, एजम्पशन वही कीवर्ड तो पूछे हैं घुमा फिरा के, ठीक है। बस ये था कि आपने प्रैक्टिस कितना किया था
वो खेल था इस पेपर में. देखो सम ऑफ थ्री टू डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज थ्री डिजिट नंबर वन सी ई. सेम ऐसा ही क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी मैंने कराया. अभी देखिए आप वीडियो में, प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, जिसमें मैंने आपको ए बी और सी डी को जब आप टू डिजिट नंबर का सम जो है थ्री डिजिट नंबर आता है, आपको बताया था उसमें नाइन उसमें कुछ अलग से वैल्यू दे रखी थी और उसमें एक वैल्यू की आपको दे रखी थी, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ दी थी ए की क्या होगी. ठीक है, यही क्वेश्चन था ये. अब इसी तरह का क्वेश्चन फिर पूछा है यूपीएससी में, पहले भी पूछा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट, अब आपको मैंने ये देखिए यहाँ पर देखिए सम ऑफ सीक्वेंस आपको कैसे करना है, 28 टर्म आपको बताया था कैसे निकालते हैं इसमें. ठीक है, नंबर ऑफ फाइव यूज 260 पेजेस ये भी बताया था. अब ये देखिए ये ऑरेंज मैंगो एप्पल ट्वाइस ये परचे उसका सिंपल एसआईसीआई का क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकली भी सॉल्व होगा, मैं बताऊंगी कैसे करेंगे. आज जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या था, एजम्पशन कीवर्ड आपको क्लास में बताया है, बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल आपको समझाया था कि इतना डरना नहीं है, बेस्ट लॉजिकल बेस्ट रेफरेंस से क्या बताता है वो, आपको बस फोकस करना है उस पे वर्ड पे. ठीक है, ये देखिए ये डायरेक्शन क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, डायरेक्शन कैसे करते हैं, बस इसमें कुछ डायरेक्शन ही आपको ध्यान रखनी थी, या तो डायरेक्शन पूछता है या फिर आपका क्या पूछता है कितने एंगल पे हैं वो क्वेश्चन पूछता है. यहाँ पर तो आपको सिंपल डायरेक्शन पूछा था, आपको जिस तरह से इसने बोला था आपको उस तरह से चलते रहना था, आप एक पॉइंट पे आते वहां से उसके रेफरेंस में आपको चेक करना था. ठीक है, देखो डायरेक्शन से दो क्वेश्चन आए हैं, ये देखो क्लॉकवाइज मैंने आपको कहा ना कि वो एंगल में बताता है कि कितने क्लॉकवाइज गया कितने एंटी क्लॉकवाइज गया, तो उस तरह से आपको चलना था. अगेन अच्छा क्वेश्चन था ये. ठीक है, तो ऐसे इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है. देखिए पी प्लस क्यू इक्वल टू के, तो स्मॉलेस्ट के की वैल्यू आपको बतानी थी, ये भी क्वेश्चन ठीक था. देखिए 3 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई, आपको ये यूनिट बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बताऊंगी कैसे करना है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ओनली किस तरह के स्टेटमेंट को क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं वो भी समझाए थे. एंड प्रैक्टिकल मैसेज ये सब देखिए, बेस्ट क्रक्स भी बताया था, क्रक्स कीवर्ड का बताया था, बेस्ट रिफ्लेक्ट और क्रक्स क्या होता है, कीवर्ड्स पे मैंने आपको बहुत फोकस करवाया था. अगर आपने प्रैक्टिस करी थी तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डुएबल. ठीक है, मेन होता है यूपीएससी के सी सेट में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे. देखिए ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन 23 में भी पूछा था, जिसमें आपको एक्स बाई वाई इज ऑड एक्स वाई इक्वल टू 12, तो आपको सेलेक्ट करना था. यहाँ पर इसने आपको ऊपर दे दिया था, व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन दे वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको लेने थे, एक्स और वाई की अलग वैल्यू लेनी थी, स्टेटमेंट चेक करना था, तो आपको आंसर पता चल जाता कि क्या ये वैल्यू करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, ये क्वेश्चन था. देखो एवरेज का ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए थे, इसको बस स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है. एवरेज मैंने कहा था लास्ट के डेज में, प्लीज पढ़ लेने के लिए, एवरेज से क्वेश्चन आता है. देखो अगेन इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन आया, नंबर सिस्टम से. नंबर सिस्टम तो मैंने आपको बार बार इतना इंफेसाइज किया था कि नंबर सिस्टम को तो छोड़ के नहीं जाना. देखो थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, वो सम इज द प्राइम नंबर, बट आर दो थ्री नंबर. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी बताया था, जिसमें आपको लास्ट ईयर बस उसने फाइंड करने को दे दिया था. ठीक है, अब देखो ये अपेरेंट इन द टेस्ट, ये सब क्वेश्चन पूछा है, ये भी डुएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप एजम्पशन कीवर्ड पूछा है, एजम्पशन पे अगेन मैंने क्लास में बहुत बार बताया है आप लोगों को कि एजम्पशन कैसे करना है. अगर आपने सही से प्रैक्टिस करा होगा तो पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते थे. ठीक है, अब देखो ये सब इसी तरह से यही भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस तरह से आपको ये देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको ये कोड बताया था. ठीक है, जिसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको समझाया था कि कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली आपको पहचानना होता है कि इसको किस तरह से लिखा है तो इसको किस वर्ड से लिखेंगे, और आपको मैंने ये भी बताया था कि कोडिंग में अपोजिट लेटर पे कैसे करते हैं, अपोजिट लेटर का अगर आता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका डुएबल है. और देखो ये नंबर सीरीज नंबर सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, नंबर सीक्वेंस में या तो वो क्या करता है, या तो मैंने आपको कहा था मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है, या आपकी प्राइम फैक्टर की होती है, प्राइम नंबर की होती है, या फिर 0.1 0.2 ऐसे करके बढ़ा रहा होगा सीक्वेंस को, तो आपको आइडेंटिफाई करना था स्टार प्लेस पे क्या है, ये करना था. तो डुएबल क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ गया, कोड ए बी सी डी को रिटर्न किया गया 24, ई एफ जी एच को लिखा गया 1680, तो आई जे के एल को कैसे लिखेंगे, ये नंबर कोड है, मैंने आपको क्लास में बताया नंबर कोड कैसे करना है. तो देखो सेम क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन तो यही पे डुएबल हो गए. ठीक है, सम लेटर पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है 4, 5, 10, 12 को, इफ इट इज नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर इफ क्यू माइनस एस इज इक्वल टू 2s, तो आपको बताना था पी आर टी की वैल्यू. तो यहाँ पर भी आपको
वैल्यूज को पुट करके नंबर को सेलेक्ट करके आपको करना था, ठीक है। कोई नहीं, आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। इस पेपर को डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके मैं आपको इसके कंसेप्ट भी बताऊंगी, सो दैट आप नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स दे रहे हो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज टेक सी सेट एज अ लाइटली। मैंने आपको पिछले बहुत सेशन में भी बताया था कि अगर सी सेट ही नहीं क्लियर होगा तो मेंस कैसे लिखेंगे, है ना। तो इस बार का पेपर ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, तो अच्छा पेपर आया था। तो अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।